द प्लेसेंटा फर्स्ट था कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा रोल ऑफ प्लेसेंटा एम्बिलकल कॉड एंड द डायग्रामेटिकेशन ऑफ द प्लेसेंटा सो फर्स्ट था पलिसेंटा स्टूडेंट्स हम मैमल्स का जो सबसे बड़ा ग्रुप है दैट इज द प्लेसेंट्र मैमल्स पलेसेंट्र मैमल्स को प्लेसेंट्र मैमल कहते ही किस वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा दो छोटे ग्रुप्स हैं एगलिंग मैमल्स हैं और मार्सुपियल मैमल्स हैं तो एग लिंग और मार्सुपियल मैमल्स के एग लिंग में तो प्लेसेंटा होते ही नहीं है मार्सुपियल मैमल में होता है लेकिन बड़ा रिड्यूमेंट्री होता है उस से फंक्शनल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है जबकि सब मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो हैं दे आर प्लेसेंटल मैमल्स हैं तो प्लेसेंटा की वजह से जो हम इसके स्पेसिफिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज प्लेसेंटा प्लेसेंटा इज एक्चुअली दिट इज वी कैन से ऑर्गन इट इज द स्ट्रक्चर विच इज़ यूज फॉर दी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल बिटवीन फिटस एंड द मदर पलिसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू मदर से फूड लिया जाएगा और इसके अलावा ऑक्सीजन ली जाएगी और जो बाकी गैशियस एक्सचेंज है वेस्ट जो मटीरियल के एक्सचेंज है वो थ्रू पलिसेंटा ही होगा तो पलिसेंटा मदर और फिटस के दरमियान जो है वो मटीरियल की एक्सचेंज का एक स्टेशन है ये ये समझे वो चेक पॉइंट है जहाँ से मदर से मटीरियल जो है वो अपने फिटस को आएँगे और फिटस से मटीरियल प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर की तरफ चले जाते हैं सो इट इज़ द कनेक्टिंग ये कनेक्शन है बिटवीन द मदर एंड द फीटस जो है वो सो हाउ दिस प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड अच्छा एक चीज आप लोग थोड़ा सा स्कैच का ले लें कि जो प्लेसेंटा है ये फीटस के साथ अटैच नहीं होता है डायरेक्टली उसके बॉडी के साथ उस तरह से अटैच नहीं है थ्रू एम्बिलकल कॉर्ड है आपने देखा होगा कि जब यंग वन की बर्थ होती है तो उसका एम्बिलकल कॉर्ड होता है एक्चुअली वो एम्बिलिकल कॉर्ड आगे जाकर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बनाता है यूँ समझे कि यूँ है ये बिल्कुल कॉर्ड है तो आगे ये इस तरह से स्ट्रेच हुआ एक स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा ये क्या करता है ये प्लेसेंटा जो है वो मदर की यूट्रस के साथ इस तरह से अटैच होता है और इसी प्लेसेंटा के थ्रू सारे के सारे मटेरियल आ रहे होते हैं क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है मदर के साथ जिसको बाकायदा जो है वो इम्प्रेगनेटेड होता है इसके साथ जो परमा इसकी अटैचमेंट होती है तो प्लेसेंटा ही वो स्ट्रक्चर है हाउ इट इज फॉर्मड प्लेसेंटा की फॉर्मेशन जैसे ही जो एम्ब्रियो जब मूव करके यूट्रस में आता है तो एम्ब्रियो के जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं ब्रासोसिस के ऊपर एम्ब्रियो होगा उसके जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो माइक्रोविलाई यानी विलाई की तरह के स्ट्रक्चर जो है वो यूटरस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं यही वो स्ट्रक्चर है वो आगे जाकर जिसने प्लेसेंटा बनाना है तो आमतौर जो प्लेसेंटा है जो मेचोर प्लेसेंटा बनता है वो कोरियन और एलेंटॉय से बनता है एमनियन कोरियन और एलेंटॉयस तीन मेम्रेन हैं जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेमेन कहते हैं हमारे पास जो कोरियन और एलेंटॉइस हैं दे विल फॉर्म द प्लेसेंटा उन्हें क्या करना है कि उसकी प्लेसेंटा बनाना है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन जो है वो अगर हम डे सिक्स से स्टार्ट हो जाएगी यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद तकरीबन सिक्स डेज के ऊपर जो है वो डे सिक्स के ऊपर एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में पहुंच जाता है तो जैसे ही पहुंचेगा प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये तकरीबन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब कंप्लीट होगा तीन मंथ से आप कंप्लीट होंगे तो जो प्लेसेंटा है ये भी फंक्शनल फॉर्म में काम करना शुरू कर देता है तो इट टेक्स अबाउट थ्री मंथ्स जो है कंप्लीट फंक्शनल फॉर्म में आने के लिए जो है वो प्लेसेंटा की खास बात यह है कि प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं वो मदर के ब्लड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बल्कि इनके दरमियान एक मैमब्रेन मौजूद है तो जो मदर का ब्लड है वो मैम्ब्रेन से उस तरफ है और जो फीटस का ब्लड है वो मैम्ब्रेन से इस तरफ है तो अब जो इस तरफ वाला ब्लड होगा जो प्लेसेंटा के अंदर ब्लड है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है मदर वाली साइड से वो क्रॉस कर करके बैरियर को प्लेसेंटा के अंदर आएंगे और फिर प्लेसेंटा से जो वो है वो वो न्यूट्र है वो फ़ीटस को चले जाएंगे तो इस तरह से जो है ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बल्कि प्लेसेंटा जो है वो और मदर के ब्लड के दरमियान बाकायदा एक बैरियर जो है वो मौजूद है प्लेसेंटा का साइज़ वेरी करता है आमतौर पर जब लास्ट मंथ्स चल रहे होते हैं जब यंग वन की ग्रोथ हो रही होती है तो उस वक्त प्लेसेंटा का साइज़ भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है एंड इट रीच अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ट्वेंटी सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ जो है वो हो सकती है वाट इज़ द रोल ऑफ प्लेसेंटा प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट रोल फूड अब सिंपल सी बात यह है कि जो फिटनेस है वो कहाँ मौजूद है मदर के अंदर मौजूद है उसने अपनी हर चीज कहाँ से लेनी है, से ले है। तो मदर से लेनी है तो जब हर चीज मदर से लेनी है तो मदर से हर चीज को प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलनी है तो इट मीन्स उसको गैसेस भी कहां से मिलेंगी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू मिलेंगी फूड कहाँ से मिलेगा प्लेसेंटा के थ्रू मदर से मिलेगा इस तरह से जो बाकी भी जितने भी उसको इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए चीजें आ रही हैं वो भी कहाँ से आ रही हैं प्लेसेंटा के थ्रू आ रही हैं इस तरह से जो यंग वन के जो मटेरियल्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करेगा वो प्लेसेंटा के थ्रू जब मदर के ब्लड में जाएगी वहां से उसको जब आगे इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी प्लेसेंटा के थ्रू जो वो एक्सचेंज हो exchange, होंगे गए एक्सचेंज प्लेसेंटा के थ्रू होंगे प्लेसेंटा का एक और काम वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का रिलीज करना ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आगे जाकर प्रोजेस्टेरोन बनवाता है जिसकी वजह से फीटस मदर के अंदर स्टे करता है अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो फीटस मदर के अंदर स्टे नहीं कर सकेगा द नेक्स्ट वन अम्बिलिकल का क्या है अच्छा प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जो मदर के यूट्रस के साथ बना गया है अब प्लेसेंटा और फीटस के दरमियान जो है वो गैप मौजूद है तो आमतौर तो पर प्लेसेंटा से एक रॉड लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आकर फीटस के साथ जो है वो अटैच होता है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं जिसका अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं एम्बेलिकल कार्ड के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है देर आर टू आर्टरीज एंड वन वेन दो आर्टरीज हैं और एक वेन है और एक दूसरे के साथ ये क्या होता हैं इस तरह से हेलिकल फॉर्म में एक दूसरे के अंदर रैप हुई होती हैं ये तीनों जो होते हैं बड़े क्लियरली हमें जाओ इसके एम्बेलिकल कार्ड के अंदर जो वर्ड जो तीनों ब्लड वेजल्स हैं दोनों आर्टरीज और ये नज़र आती हैं एम्बेलिकल कार्ड की लेंथ वेरी करती है लेकिन नॉर्मल ह्यूमन के अंदर ये फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर तक होती है इसकी लेंथ और इसकी विड्थ जो है इट इज़ वन टू टू सेंटीमीटर होगी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा यह आप देख सकते हैं प्लेसेंटा जो है एक्चुअली दिस वन ये प्लेसेंटा है आप देख सकते प्लेसेंटा से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो निकल कर मदर के यूट्रस की वाल के अंदर इम्प्लांट हुई है तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये क्या है दिस इज एक्चुअली प्लेसेंटा है और ये आपको जो डार्क ब्राउन कलर में नजर आ रहा है ये मदर का यूटरस है यूटरस वालस है मदर की जो है वो और मदर के यूट्रस वाल के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं प्लेसेंटा के अंदर भी ब्लड कैपिलरीज हैं तो गैशियस एक्सचेंज या जो न्यूट्रस होंगे मदर के ब्लड कैपिलरी से क्रॉस करके आ जाएंगे प्लेसेंटा के अंदर वहाँ से फिर प्लेसेंटा के से आगे एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है वो फिटस को जो है वो फूड मिलेगा गैसेस मिलेंगी और इससे इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी जबकि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इसी एम्बेलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के थ्रू मदर को ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं